स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर से चर्चा में है। अर्णब गोस्वामी का केस लड़ने वाले हरीश साळवे पर उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट किए कि लोगों ने लिखा, सुबह सुबह तुम क्या लड़कर आए हो। एक बार फिर से कॉमेडियन कुणाल कामरा अपने ट्वीट्स को लेकर चर्चा में है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे अर्णब केस में जब पूरा का पूरा जजमेंट आया था उस दौरान भी उनके कुछ ट्वीट्स काफ़ी चर्चा में आ गए थे। उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की थी। अब जो है एक बार फिर से उन्होंने वकील हरीश साळवे को लेकर कुछ तंज कसा है, जिसके बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा, बॉर्डर पर क्या आंखें दिखा रहे हो चाइना, दम है तो हरीश साळवे से सुप्रीम कोर्ट में जीत कर दिखाओ। आगे वो लिखते हैं, औकात में रहो बांग्लादेश, जीडीपी पर क्यों कम्पीट करना, कोई लॉयर तुम्हारे पास जो ओवरनाइट टैक्स लॉच पर अमेंडमेंट करवा दे। ज़्यादा उछलो मत पाकिस्तान, जितना तुम्हारे पूरे देश की इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उससे कहीं ज़्यादा हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ऑटो में आने जाने में खर्च करते हैं। तो ये लगातार जो है उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए। जाहिर सी बात है उनका इशारा हरीश साळवे की ओर था, जिन्होंने अर्णब का केस लड़ा था। और जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट्स किए तो जो कमेंट्स यूज़र लिख रहे हैं, एक ने लिखा, कुणाल भाई महाराष्ट्र सरकार के हाथ इतने भी बड़े नहीं हैं। एक और यूज़र ने लिखा, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। राप्ता नाम के एक यूज़र ने लिखा, आज ये हाल है कि चूहे शेर को आंखें दिखाने लगे हैं। सुयोग्य नाम के यूज़र ने लिखा, और JNU के स्कॉलरशिप पर ये लोग इंडिया में ही एक पाकिस्तान बना दें। एक ने लिखा, ज़्यादा मत उछलो पाकिस्तान, और दूसरे ने लिखा, तुम्हारा ट्विटर इतना गाली खाता है। रियान ने लिखा, सुबह सुबह क्या हो गया कुणाल मियाँ, किसी से लड़कर आ गए हो क्या। तो जैसे ही कुणाल ने फिर से ट्वीट किए हरीश साळवे पर, तो ट्रोलर्स जो हैं उनको जवाब देने लगे। दरअसल कुणाल ने अटॉर्नी जनरल को लेकर भी जो है एक ट्वीट किया था, उन्होंने दो फिंगर्स दिखाई थी। और उसके बाद फिर से अटॉर्नी जनरल को इस बात की रिक्वेस्ट की गई कि उन पर जो है केस होना चाहिए, जिस पर फिर से अनुमति दी गई। लेकिन जब पहले उन्होंने ट्वीट किया था उस पर भी अटॉर्नी जनरल ने जब परमिशन दी कि हाँ इन पर केस होना चाहिए, तब उन्होंने कुणाल कामरा ने कहा था, ना मैं माफ़ी मांगूंगा, ना मैं लॉयर करूंगा, ना ही मुझे ट्वीट किसी तरह से डिलीट करने की ज़रूरत है। तो लगातार कुणाल कामरा जो है इस तरह के ट्वीट करते हैं, जिसके बाद जो है लगातार यूज़र्स जो हैं उन्हें ट्रोल करने लगते हैं।